नमस्कार, मैं इंदु सोनाली, मेरी ओर से भोजपुरी अड्डा चैनल के सभी दर्शकों को ईद की बहुत सारी शुभकामनाएं। फिल्म के पूरी टीम को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं इस फिल्म के लिए। और भोजपुरी में पहली बार लैला मजनू नाम सुन के बहुत खुशी हो रही है। जैसा अभी मैंने देखा, हमारे इस फिल्म के जो हीरो हैं चिंटू, वो अपना इंटरव्यू दे रहे थे तो नाम पता चला लैला मजनू। बहुत खुशी हो रही है कि हम लैला मजनू का गाना पुराने फिल्मों में के माध्यम से हम सुनते थे, जो ऋषि कपूर, उनका भी नाम चिंटू है और भोजपुरी में हमारे चिंटू हीरो है, तो बहुत ही अच्छा ये माहौल जो बन रहा है लैला मजनू के तहत, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और आज भी मान रहे हैं कि आप भी उसका हिस्सा बन रहे हैं। हाँ बिल्कुल, और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं इस फिल्म का हिस्सा हूँ और मैं आज आई हूँ शुभ मुहूर्त पे सॉन्ग रिकॉर्ड करने के लिए। और इसमें म्यूज़िक डायरेक्टर है हमारे प्रीतम जी और गीतकार हैं श्याम देहाती जी, और मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मुझे मुहूर्त में बुलाया गया है तो कुछ स्पेशल ही होगा गाने के माध्यम से। किस प्रकार का गाना है इंदु जी, कोई विशेष तैयारी की है आपने या किस प्रकार का गाना होने वाला है जो रिकॉर्ड होने वाला? अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन अगर नाम इतना बढ़िया है लैला मजनू तो फिल्म भी अच्छी होगी, इसमें कोई शक नहीं है। अभी के न्यू जनरेशन के हिसाब से लव स्टोरी होगी और तो उस हिसाब से गाने भी होंगे और बहुत ज़बरदस्त गाने होंगे। अच्छा, वैसे आप सभी जानते हैं कि अभी तो एक ही लहर छाया हुआ है, रातें दिया बुता के पिया क्या क्या किया। तो अभी फ़िलहाल ये जो गाने का हैंगओवर है, पता नहीं कब तक रहेगा, लेकिन अभी तो पूरा एकदम लहर मचा दिया है। तो बारिश का मौसम है और इतना अच्छा हिट सॉन्ग जो हमारे दर्शकों ने इस गाने को बहुत ज़्यादा पसंद किया है, और अभी तक तो पता नहीं कहाँ कितने मिलियन तक जाएंगे पता नहीं है, तो कोई कहे इसे पहले मैं ही गा देती हूँ। जब मैं आई सुहाग वाली रात रे, उसने चुम्मा से किया शुरुआत रे, उसने उंगली दबाई मैं बहुत छटपटाई, मुझे रात में ना सोने दिया, रात दिया बुता के पिया क्या क्या किया। तो ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रहा है सभी को। अब वैसे क्या है, मैं बताऊं कि इतनी सारी फिल्मों में मैं गाती हूँ गाने, सब बहुत तरह के गाती हूँ, हर मूड के गाती हूँ, लेकिन टू टाइम याद नहीं रहता है, लेकिन जो अभी जो लेटेस्ट याद रहता है वो मैंने सुना दिया। जैसे कि रमजान का महीना है, तो उसके कामना है। हाँ बिल्कुल, गाना मैं ईद के लिए क्या गाऊँ, मैं ईद के उपलक्ष्य में मैंने अभी कुछ गाया नहीं है, लेकिन मेरी ओर से सभी को, पूरे भारतवासियों को ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं।